मंदिर में रखी दान पेटी शायद एक दिन में रुपयों से भर जाती होगी, लेकिन गरीब बच्चों का शायद ही कोई दिन हो जिस दिन पूरा पेट भरता हो। और तो और, जब ये गरीब बच्चे हमारे पास भीख मांगने आते हैं तो हो सकता है आप इन्हें डांट डपट कर भगा देते हो। मेरा नाम है मानिका बदवार एंड रसोई ऑन व्हील्स एक जरिया है जो मुझे खुद भी नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कम से कम 1,000 से 2,000 बच्चों तक खाना जाएगा हमारे थ्रू। एक जरिया, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, गिव बैक टू द सोसाइटी, और आप खुद करना चाहते हैं, हम वो जरिया हैं कि हम चाहते हैं कोई भी भूखा ना रहे। मुझे लगता है कि सबसे पहले जब पेट भरा होगा उसके बाद ही कुछ और करने की हिम्मत आएगी या दिमाग कहीं और लगेगा। कि हमारे लिए ये सब बहुत नया है, हमने कभी ये नहीं देखा किसी को एक टाइम का खाना नहीं मिलता। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब जहाँ मुझे दिखेगा कि खाने की ज़रूरत है वहाँ रसोई जितने लेवल तक जा सकती है जाएगी और उनकी हेल्प करेगी। आई थिंक मुझे रसोई के साथ एक बहुत अच्छा और बहुत प्लेजेंट रिएक्शन मिला, सबने आके बहुत सपोर्ट किया। किचन सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है और सारा खाना फ्रेश बनता है, हाइजीनिक फूड पैकेट्स एंड मील्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। दाल चावल, राजमा चावल, दाल रोटी, सब्जी, कभी कभी बच्चों को नूडल्स, बर्गर्स, फ्रूटी, ये सब भी देते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ये खाना बस्तियों में जाता है जहाँ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। हमें ये रसोई बहुत अच्छी लगती है, हम जब ये रसोई आती है हम बहुत मतलब खुश होते हैं और यहाँ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है। रसोई अब मेरा पैशन है, अब मैं कुछ भी करूँगी तो मैं रसोई नहीं छोड़ पाऊँगी क्योंकि ये सारे बच्चे मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं टू डू समथिंग बेटर। आज की डेट में रसोई 1,000 से 1,500 खाने हर रोज़ भेजती है। आगे ये जाने की प्लानिंग है कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे, हर बच्चे को शिक्षा मिले, और हर बच्चा, अगर मैं 100 बच्चों के साथ काम करती हूँ तो अगर उसमें से 10 भी कुछ बन जाएंगे लाइफ में तो आई थिंक दैट्स माई अचीवमेंट, दैट्स रसोई इज़ अचीवमेंट एंड दैट्स अचीवमेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी। पहियों पर दौड़ती ये रसोई जब भी इन बच्चों के पास पहुंचती है, इन बच्चों के मासूम चेहरे अपनी इस रसोई को देखकर वाकई मुस्कुरा उठते हैं।